भाई और बहनों, 6 अप्रैल को भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव संवत 2076 की शुरुआत होने जा रही है। आज के दिन प्रकृति अपना रंग बदल रही है, नई नई कौपलें आ रही हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और बासंती शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। आप सबको नव हिंदू वर्ष 2076 की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना की थी, आज के दिन ही मत्स्य अवतार हुआ था, आज के दिन ही गुरु झूलेलाल का जन्म हुआ था, आज के दिन ही विक्रमादित्य महाराज ने शक संवत की शुरुआत की थी। इस संवत का नाम परिधावी है और आज का संवत प्रारंभ होगा शनिवार से, यानी संवत के स्वामी होंगे शनिवार। बड़ी उच्च कोटि की परंपरा है कि आज के दिन भारतवर्ष की दिनचर्या में न केवल देवी देवताओं को बल्कि यक्ष और राक्षसों को, गंधर्वों को, ऋषि मुनियों को, नदी पहाड़ों को, पशु पक्षियों को, कीटाणु और यहां तक कि रोगों को उपचारों को भी पूजा जाता है। कुछ आज के दिन तिलक व्रत करते हैं, जिसमें तिलक धारण करके पिशाच दृष्टियों से बचने का, भूत प्रेत और बाधाओं को शांत करने का उपाय किया जाता है। आज के दिन ही यानी शुक्ल प्रतिपदा वन को बहुत सारे लोग विद्या व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग आरोग्य व्रत करते हैं और आज के दिन ही शुभ शारदीय वासंती नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। चूंकि विधान है भारतवर्ष के कैलेंडर में 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, इन वाले नवरात्रों को वसंतीय नवरात्रे कहा जाता है। आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे होते हैं और शरद ऋतु आने पर शरदीय नवरात्रे होते हैं। नवसंवत में बनाने के लिए आप क्या करें? आज के दिन निर्देशित किया जाता है कि नववर्ष के फल का श्रवण करें, नीम के पत्तों का भक्षण करें, सूर्य उदय के समय पर तेल से स्नान करें, अभंग स्नान कहते हैं इसको, घर के ऊपर ध्वजारोहण करें, पताका फहराएं, घर के सामने रंगीन रंगोली बनाएं, आज के दिन घर में घट स्थापना करके संकल्पों की स्थापना करें और चैत्र के इन नवरात्रों में कुछ नियमों का पालन कर दें, जैसे भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध लोभ मोह आदि से दूर रहना, मित आहारी बनना। प्रसाद के तौर पर मीठे नीम के पत्तों के अलावा भी कुछ लोग पारिजात के पुष्प में काली मिर्च, नमक, हींग और जीरा मिलाकर इसको प्रसाद के रूप में भक्षण करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार ऐसा भक्षण करने से अगले आने वाले समय में पित्त का रोग नहीं होगा। मैं समझता हूं भारतवर्ष में यह कार्यक्रम किसी टीकाकरण से कम नहीं था, इसलिए पुनः पुनः आपको इस प्रारंभ होने वाले नव संवत 2076 की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत खुशनुमा निकले आपका आने वाला हिंदू नव संवत।